वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं सचिन अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर सेशन की और कुछ और कंप्यूटर के लेसन्स पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंप्यूटर, बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफरेंट एग्जाम्स को फोकस करते हुए। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को मोटिवेशनल लाइन के साथ में। इट्स नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स ऑल अबाउट बीइंग बेटर देन यू वर यस्टरडे। बेस्ट बनने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने हर दूसरे दिन को बेहतर बनाना होगा पहले दिन से। हमें ये सोचना होगा कि पहले दिन में हमारी क्या क्या कमी रह गई और उन कमियों को हमें सुधारना होगा दूसरे दिन, तभी हम अपने वर्जन के बेटर वर्जन बन सकते हैं। तो बी द बेटर वर्जन ऑफ यू, अपने ही वर्जन के बेटर बनते जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेस्ट बन चुके होंगे और आप तब कहेंगे कि मैं बेस्ट नहीं हूं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ सीखना बाकी है। आई होप कि आपको ये लाइंस पसंद आई होंगी। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। बैक टू बैक 3 दिन में 3 चैप्टर डिस्कस हो गए हैं, जहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया है और उनकी डीप एनालिसिस की है। आई होप कि आपको वो सभी तीनों लेक्चर्स पसंद आए होंगे। आज के इस लेक्चर में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो डेली आप कंप्यूटर की नॉलेज के लिए 1 से 2 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। वहीं हमने आपकी डिमांड पर CCC बैच 2020 लॉन्च कर दिया है। ये बैच आपको अड्डा 247 के ऑफिशियल स्टोर पर मिल जाएगा। इस बैच की खास बात क्या है, एक बार फटाफट से आपको बता देते हैं। CCC जो कोर्स है, जिसका मतलब है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, नीलिट द्वारा ये कोर्स एस्टैब्लिश किया गया है। इस कोर्स को करने के बाद में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि आपका जो CV है वो एक अच्छी वेटेज के थ्रू शो होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपको जॉब में आसानी होगी। लेटेस्ट 2020 सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ये बैच लॉन्च किया गया है गाइस। टॉपिक वाइज क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। 30+ आवर का इंटरेक्टिव सेशन दिया जा रहा है। काउंसलिंग सेशंस भी यहाँ पर रखे गए हैं। स्ट्रेटजीज पर चर्चा, शॉर्टकट पर चर्चा, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन प्रीवियस मंथ के, प्रीवियस ईयर के कंपाइल किए गए हैं। वहीं कंप्लीट गाइडेंस भी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो मिशन CCC 2020 बैच सचिन अरोड़ा सर के साथ में, मेरे साथ में ज्वाइन करना ना भूलें। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 18th of June, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। टाइम 7 PM to 8 PM रहेगा। क्लास डेज की बात करें, मंडे टू सैटरडे ये ऑर्गेनाइज होगा, संडे को भी स्पेशल सेशन यहाँ पर रखे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये डिज़ाइन किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि कैसे ज्वाइन करना है इस क्लास को, तो इसके लिए जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहीं बात करें, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद में बाय नाउ बटन पर क्लिक करना है, अपनी 3 डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम एंटर करना है। वंस यू एंटर योर डिटेल्स, उसके बाद में कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y233। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, 57% अप्रॉक्स यहां पर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट, जिसकी कॉस्टिंग 1500 थी, ये प्रोडक्ट आपको 600 समथिंग का अवेल हो जाएगा। मार्केट में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो इस कोर्स की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, 3 से 4 हज़ार रुपये तक इसकी कॉस्ट ली जाती है, लेकिन आपको एक रीजनेबल रेट में यहाँ पर ये कोर्स घर बैठे
प्रोवाइड किया जा रहा है। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर रिजॉल्व कर सकते हैं। वहीं आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं होमवर्क क्वेश्चन के साथ। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था और आपसे कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही सही जवाब आपको देना है। तो गाइस, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो देखते हैं कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब होना क्या चाहिए था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है गाइस, नेम द फाउंडर ऑफ हॉटमेल या आउटलुक। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था कि जैसे ईमेल क्लाइंट होता है, जैसे आप लोग जानते हैं जीमेल, याहू, ये सब ईमेल क्लाइंट हैं, वैसे ही हॉटमेल और आउटलुक भी ईमेल क्लाइंट की कैटेगरी में आता है। हॉटमेल का एडवांस्ड वर्जन आउटलुक है, ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। वहीं ये बताया गया था कि इसकी खास बात ये है कि इसको बनाया है इंडियन पर्सनालिटी ने, यानी वो इंजीनियर इंडियन है, भारतीय है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर है मिस्टर सबीर भाटिया। बिल्कुल सही आप लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो देख लेते हैं किन किन लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। उन विजेताओं के लिए, उन विनर्स के लिए क्लैपिंग होती रहनी चाहिए, शानदार प्रदर्शन के लिए क्लैपिंग होती रहनी चाहिए। तो वो विनर्स आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, अंशु, हिमांशु जायसवाल, एग्निस चाहत एंड देवास। इसी के साथ साथ ज्योति मंडल, संघमित्रा भुटिया, सुयंश पाल सूर्यवंशी, पल्लवी गुप्ता, संकल्प इंगोले, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको सही आंसर देने के लिए। अब हम बात करेंगे आज के होमवर्क के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको आंसर देना है नेम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। कल के लेक्चर में हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में डिटेल में चर्चा की थी और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। वो एक नाम नहीं है, वो बैक टू बैक दो नाम है। वो बैक टू बैक दो नाम कौन से हैं, ये आपको वीडियो के अंत में, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वो लोग जो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनका नाम कल की वीडियो में ठीक 1 बजे पब्लिश कर दिया जाएगा। क्लियर है गाइस, बढ़ते हैं आगे। चल, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज मैगी सेशन विद सचिन अरोड़ा सर। एक क्विक रिवीजन सेशन यहां पर 5 मिनट का रहता है, जहां पर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा मेरे साथ कि हमने मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, बायोस और पोस्ट से रिलेटेड चर्चा की है। क्या चर्चा हुई है, एक एक लाइन में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मिनी कंप्यूटर, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको मिनी कंप्यूटर में एक फोटो दिखाई थी जो काफी बड़ी इमेज थी कंप्यूटर की, और मैंने आपको बताया था कि मिनी कंप्यूटर्स छोटे कंप्यूटर नहीं होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स में प्रोसेसर का यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स सर्वर की तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां कुछ IBM और हनीवेल सर्वर्स के एग्जाम्पल भी मैंने आपको शो किए थे। वहीं ये भी बताया गया था कि मिनी कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर था आपको ये चीज। फिर माइक्रो कंप्यूटर की बात हुई थी, जहां पर ये बात हुई थी कि इसमें किसका यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, जो कि 4th जनरेशन का पार्ट है। माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज कुछ इस प्रकार हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैलकुलेटर्स, PDA, वर्क स्टेशन,
ये सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्लियर है गाइस यहां तक? मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज रेलवेज में किया जाता है, बैंक में किया जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर में किया जाता है। और इसका यूज किस पर्पस से किया जाता है याद करिए कल का लेक्चर। बिल्कुल सही, इसका यूज बड़े बड़े डेटाबेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस। वहीं ये भी बात हुई थी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को IBM ने बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी साथ में चर्चा हुई थी, क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर को हटाया जा सकता है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? याद करिए कल क्या बताया था मैंने। बिल्कुल सही आपने सोचा, इसका सब्स्टिट्यूट है क्लाउड कंप्यूटिंग। और आने वाले समय में बैंक, इंश्योरेंस, रेलवेज, एयरलाइंस, ये सभी सेक्टर अपने डेटाबेस को मेन फ्रेम से क्लाउड कंप्यूटिंग में शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि IBM जिसने ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया है वो खुद भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जगह क्लाउड कंप्यूटिंग पर अपनी टेक्नोलॉजी को शिफ्ट कर रहा है। क्लियर है गाइस? सुपर कंप्यूटर के बारे में चर्चा हुई थी और वहां पर मैंने आपको इंडियन सुपर कंप्यूटर के फाउंडर, टाइप्स, स्पीड, लोकेशन के बारे में बताया था। वहीं हमने आपको वर्ल्ड के फाउंडर, वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर, कंपैरिजन बिटवीन दी कंट्रीज और इसके फाउंडर के बारे में भी बताया था। जहां पर हमने ये भी आपको बताया था कि सुपर कंप्यूटर की जो यूनिट है वो है पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड, PFPS, पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड इसकी यूनिट है जिसमें ये नापा जाता है। वहीं साथ में डिस्कस किया गया था बायोस और पोस्ट के बारे में। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है बायोस इंस्ट्रक्शन देता है पोस्ट को। बायोस कहता है पोस्ट से तुम जग जाओ और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के सभी कामों को अच्छे से चेक करो और ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करो। ये सारी चर्चा हो चुकी थी। आई थिंक कि आपको कल का सेशन बहुत पसंद आया होगा। बढ़ते हैं यहाँ पर आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए, और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एज प्रोसेसर। पहली जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एज प्रोसेसर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए ताकि मैं आपके क्वेश्चन को और आपके आंसर को देख पाऊं। चलिए, कम ऑन गाइस, बी क्विक। बिल्कुल देखिए, बहुत फटाफट से आंसर दे रहे हैं अब तो आप लोग। वेरी गुड, ओके। सबसे पहला आंसर यहां पर आया है जानू सिंह जी का। अच्छा, बायोस बता रही यहां पर, सॉरी माय मिस्टेक। यहां सबसे पहला आंसर आया है स्नेहा जी का और कह रही हैं सेकंड होगा। हिमांशु जायसवाल सेकंड, जानू सिंह बी, माधुरी मांझी सेकंड, श्वेता विश्वकर्मा कह रही हैं कि सर कल मैं एब्सेंट थी, बेटा जाकर देख लो कल की क्लास, कोई बात नहीं। जानू सिंह जी कह रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स। रीना जी कह रही हैं थर्ड। सुयंश पाल सूर्यवंशी सेकंड, नेहा बी, सौरभ सेकंड, ओके। तनुज ढींगरा वैक्यूम ट्यूब्स, ओके। हिंदुजा चिक्कू जी कह रहे हैं सेकंड। चलिए, सौरभ बेज कह रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स,
चलो इसका मतलब मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। फर्स्ट जनरेशन में जिस प्रोसेसर का यूज हुआ था उसका नाम वैक्यूम ट्यूब्स। टोटल 5 जनरेशन मानी जाती हैं। इन 5 जनरेशन में क्या क्या यूज हुआ चलो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स। टाइम पीरियड देखिए अब किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक बार देख सकते हैं आप लोग, याद वैसे मत करिएगा, अब पूछा नहीं जाता है। टेक्नोलॉजी बस याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI। क्लियर है गाइस? अल्ट्रा लार्ज भी इसको कहते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल कंप्यूटर्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर ULSI। क्लियर है गाइस? चलो यहां तक क्लियर है। हिंदुजा जी वेरी सॉरी, हो जाता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग। ओके चलिए क्लियर है गाइज यहां तक। एक बार थोड़ा सा देखिए यहां पर जनरेशन में ट्विस्ट भी है, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में अब एग्जाम में VLSI और ULSI नहीं आता, यहां कुछ और आता है, देख लेते हैं उसके बारे में भी कि एग्जाम में क्या आता है। तनुज जी देखिए PCB का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदर बोर्ड को PCB भी कहते हैं, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि आपने देखा वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल सही था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, देखिए बार बार कह रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन का पार्ट है, तो यहां पर ये ज्यादा याद रखिएगा कि फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन इंटेलिजेंस कह लें, इसका यूज होता है, मशीन लर्निंग का यूज होता है, रोबोट्स का यूज होता है, यह नॉलेज बेस्ड सिस्टम का यूज होता है, जैसे POS पॉइंट ऑफ सेल है ना, इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। चलिए ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है गाइस, आई होप कि आप इसका सही सही जवाब देंगे। क्या है क्वेश्चन? द जनरल फाइल एक्सटेंशन फॉर अ बैकअप फाइल ऑफ एनी अदर फाइल्स, द जनरल फाइल एक्सटेंशन फॉर अ बैकअप फाइल, किसी भी बैकअप फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए देखो आप लोग सेशन को क्या शेयर नहीं कर रहे हो, फटाफट 2 मिनट लगा के शेयर भी कर दिया करो, चलो शेयर कर दो, सबका भला हो जाए, सबका विकास, सबका भला। चलो देखिए सबसे पहला आंसर फिर से स्नेहा जी का आया है, इनके पास लगता है कुछ ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है। कोशिश करो जीतने की सबसे पहला आंसर आए, सीक्वेंस हमेशा यही रहता है, स्नेहा जी फर्स्ट, माधुरी मांझी सेकंड, हिमांशु जायसवाल थर्ड, संगीता उपाध्याय फोर्थ, फिफ्थ दिव्यांशु जायसवाल। चलो चलो आज कुछ लोग सीखेंगे है ना, आज कुछ लोग सीखेंगे और कुछ लोग जीतेंगे, समझ गए होंगे शायद मेरा इशारा किस तरफ है। चलिए नेहा के, यशिका, तनुज, अजय, रंजीप, यशिका, रीना, पंकज, विभा, जानू, हिंदुजा, श्वेता, दिव्यांशु, चलो बताओ भाई, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जीतेंगे और कुछ लोग सीखेंगे। चलो The general file extension for a backup file. क्यों confuse हो गए कुछ लोग? बिल्कुल सही। चलिए स्नेहा जी आज सीख लीजिएगा। यशिका जी नोट्स बनाते रहो बेटा,
देखिए इसका आंसर होगा bat.bak। तो बैकअप फाइल का एक्सटेंशन bac नहीं होता है, कंफ्यूज लोग इसलिए करते हैं कि बैकअप bac से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे कहानी में क्या है, समझ गया, ट्विस्ट है ना। तो यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर आंसर एक्सटेंशन .bac ना होकर .bak है। चलो सीखे आज तो बिल्कुल, या तो सीखोगे या तो जीतोगे, है ना, आंसर इसलिए सबको देना है। चलो बिल्कुल, .bak इज द राइट आंसर। .bac कुछ नहीं होता है, .exe तो समझ रहे होंगे किस लिए यूज होता है, .rare भी समझ रहे होंगे किस लिए यूज हो रहा है। ठीक है बिल्कुल ठीक है, हिमांशु जायसवाल जी कह रहे मैं जीत गया, मैंने सही जवाब दिया, गुड। रणजीत राणा जी कह रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स करने से क्या होगा। देखिए ट्रिपल सी कोर्स करने से एक तो बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी, दूसरा एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कंप्यूटर का, और सर्टिफिकेट मिलेगा तो जॉब में हेल्प आउट करेगा। हाँ स्पेलिंग की वजह से जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, बिल्कुल। देखिए इसीलिए ऑप्शंस एग्जाम में इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, है ना। देखिए गलती आप लोग की नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन वाले ही कर देते हैं उठाकर, ताकि कैंडिडेट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाए। सत्वीक जी सब इंटेलिजेंट हैं, सबके पास कोई ना कोई स्किल है, बस उस स्किल पे वर्क करते रहें तो अपने आप टैलेंटेड हो जाता है इंसान। चलिए चलो, अब कुछ लोग कह रहे हैं, अजय शर्मा जी कह रहे हैं डॉट रेयर किस लिए होता है, मुझे मालूम था। देखिए आप जो सोच सकते हैं ना वो हमें मालूम है, ये देखिए अगली स्लाइड में आपके सारे डाउट्स क्लियर। बस अरे श्वेता जी बिल्कुल आता है, अब अगर हम पढ़ाएं और एग्जाम में ना आए तो कंप्यूटर को पढ़ाने का क्या फायदा, वहां सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं और वहां आप कहें कि अरे वाह सचिन सर ने जो पढ़ाया था वो सब आ गया, तब तो काबिले तारीफ है ना, तब तो आप लोग दुआ देंगे हमें, तो बस वो दुआएं ही चाहिए। चलो गाइस अभिलाष यादव की ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पर एक ट्रिपल सी का जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। बिल्कुल स्नेहा जी, कॉम्प्रेस्ड फाइल, देखिए बीएके बैकअप फाइल जैसे कि अभी आपने देखा, ईएक्सई मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये सॉफ्टवेयर की होती है, सॉफ्टवेयर हमेशा एग्जीक्यूट होता है डबल क्लिक करके। फाइल और सॉफ्टवेयर में भी यही एक अंतर होता है कि फाइल पर जब डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन होती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हेन वी डबल क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, एग्जीक्यूट होता है ना। तो आंसर क्या होगा कि जब हम सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करते हैं तो एग्जीक्यूट होगा, फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगी, फाइल ओपन होगी, और रेयर किसका फाइल एक्सटेंशन है, कॉम्प्रेस्ड फाइल का। रेशु गर्ग जी हेलो वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, आई होप आप अच्छे होंगे जी। जानू सिंह जी सॉफ्टवेयर जी, माधुरी मांझी जी रेयर जो है वो कंप्रेस फाइल के लिए, याद रहेगा ना यहाँ पर। ठीक आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने लोग सीखते हैं और कितने लोग जीतते हैं। ठीक है चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग बैंक की खास तौर पे तैयारी कर रहे हैं ना उनको तो ये क्वेश्चन रटा होगा, है ना। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर बैंक की तैयारी कर रहे हैं और बैंक में कितने लोग सही आंसर इसका कर पाते हैं। तो चलो बताओ, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज नोन एज, क्वेश्चन को एक बार हिंदी में समझ लो फिर जवाब देना। किसी भी डिस्क को डिवाइड करना किसमें, ट्रैक्स और सेक्टर में, यहां हार्ड डिस्क की बात हो रही है, हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है। आंसर तो किसी ने दिया होगा, चलो सर्वर लेकर बैठी हुई है यहाँ पर स्नेहा जी, और स्नेहा जी का कहना है सबसे पहले फर्स्ट होगा पार्टीशनिंग, दिव्यांशु जायसवाल सेकंड, हिमांशु जायसवाल थर्ड, तनुज ढींगरा फोर्थ, सुमन घोसी फिफ्थ, रोहन राजपूत फर्स्ट, जानू सिंह ए, सचिन शर्मा फर्स्ट, तनुज, जानू, सुमन, रंजीत,
यशिका, अजय, जेपी, हिमांशु, हिंदुजा, चलो आज फिर यहां पर क्या करोगे, सीखोगे, यहां भी सीखोगे। चलो कविता देवी जी, गुड। क्या हो गया जेपी? सचिन शर्मा फर्स्ट, प्रद्यन्य थर्ड, लिंकन फर्स्ट, अमित राज फर्स्ट, हिमांशु जायसवाल, मुझे आंसर देना ही नहीं है। अरे भाई क्यों, क्या हो गया हिमांशु, आज क्यों गुस्सा चल रहे हो भाई? कीप कूल बड़ी। चलो रीता मिश्रा फर्स्ट, शिनेस्तर ओके, अरे सत्यम जी हिंदी में ही तो पढ़ा रहा हूँ, अब क्या बच्चे की जान लोगे बेटा? अरे आदर्श तिवारी जी, रेगुलर क्लास तो मैं ले रहा हूँ, संडे को भी ली थी, कल दो दो क्लासें ली थी, संडे को भी दो क्लास ली थी, और कितनी क्लासें ले लूँ बेटा? चलो हाँ स्नेहा जी आज सीखेंगे फिर। हिमांशु जायसवाल, अब फर्स्ट वाले को थर्ड पे इट्स नॉट फेयर। अरे हिमांशु जायसवाल क्या हो गया? अच्छा आपने पहले आंसर किया तो मैंने थर्ड पे कह दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी ना गुस्सा होते हैं। चलो यशिका सर आपकी क्लास की टाइमिंग, बेटा क्लास की टाइमिंग 1 से 2 बजे है डेली। चलो अच्छा तनुज स्नेहा को कह रहे हैं वाईफाई यूज कर रही है इसलिए तेज स्पीड आ रही है, बेटा वो सर्वर है, स्नेहा जी के पास सर्वर है इसलिए तेज स्पीड है उनकी। आदर्श तिवारी नोटिफिकेशन नहीं आता, टाइम तो याद कर लो आदर्श, 1 से 2 अपने आप आ जाया करो, 15 मिनट्स पहले आ जाया करो वीडियो में। चलो अब देखो इसका आंसर क्या होगा। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है? इसका आंसर है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक और सेक्टर। देखो जब आप फॉर्मेट करते हो ना, सी ड्राइव फॉर्मेट करी या पेन ड्राइव फॉर्मेट करी, इस केस में क्या होता है, वो आपकी जो डिस्क है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड हो जाती है और डेटा को लॉस कर देती है ना। फॉर्मेट करना मतलब क्लीन करना, एक तरीके से साफ हो जाती, खाली हो जाती है डिस्क, तो इस केस में डेटा लॉस हो जाता है जिसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। जबकि पार्टीशन के केस में ब्रेक होती है हार्ड डिस्क, तो कहीं भी ब्रेक जैसा वर्ड लिखा हो है ना, और वहां ट्रैक्स और सेक्टर्स नहीं दिया होगा, क्योंकि वो ट्रैक्स और सेक्टर में डेटा डिवाइड नहीं होता है पार्टीशन के केस में, ये फॉर्मेटिंग के केस में होता है। क्लियर हो गया गाइस? चलो जितने लोगों ने भी फॉर्मेटिंग दिया था वो जीत गए, और जिन्होंने पार्टीशनिंग दिया था वो सीख गए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा हार्ड डिस्क के बारे में जान लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बहुत ध्यान से सुनो, पूछूं क्वेश्चन। हार्ड डिस्क की जो शुरुआत है ना, वो सी ड्राइव से क्यों होती है? ए और बी ड्राइव क्यों नहीं दिखती सिस्टम के अंदर? क्वेश्चन समझ में आ गया? जब आप लोग हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं यानी कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, तो वहां सी ड्राइव से शुरू होता है, सी ड्राइव होती है, डी भी होती है, ई भी होती है ना, ए और बी क्यों नहीं होती? तो क्वेश्चन है ए और बी ड्राइव क्यों नहीं होती, ए और बी ड्राइव का मतलब क्या होता है, और सी ड्राइव ही क्यों होती है? चलो समझ गए हो तो फटाफट आंसर दे दो, आंसर दो बेटा फटाफट, देखते हैं किसको ये चीज समझ में आ गई, कौन है यहां पर होशियार, किसको पता है ये चीज। जी कविता देवी जी आपने सही बताया है। दिव्यांशु जायसवाल जी का आंसर सबसे पहले यहां पर आया है, बिकॉज सी माई सिस्टम का डेटा स्टोर्ड होता है, और बिल्कुल गलत जवाब है, गलत जवाब दिव्यांशु जायसवाल। अजय शर्मा जी कह रहे हैं ए और बी रिजर्व होती है, आंसर अधूरा है। तनुज ढींगरा जी कह रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड ओके, अरे पढ़ लो बेटा बातें बाद में करना। सचिन शर्मा ए एंड बी लेटर्स आर रिजर्व्ड, किसके लिए रिजर्व होता है ये तो बताओ। रीमा जी नहीं पता, स्नेहा जी को भी लगता है पता नहीं है, चलो बताओ फिर सीखेंगे। अरे अभी तक आंसर नहीं आया,
ए ड्राइव बी ड्राइव रिजर्व होती किसके लिए? पता नहीं सर। शिनेस्तर नवदीप कौर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। लेट हो गई क्या आज नवदीप जी आप? चलो, अनिल कुमार जी कह रहे हैं ए ड्राइव रोम एंड बी रैम के लिए। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल ही गलत जवाब है अनिल कुमार शर्मा जी। चलो अब सीखो। बिकॉज ड्राइव परमानेंट स्टोर होता है डेटा। माधुरी मांझी जी, देखिए क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन था ए और बी ड्राइव कहाँ होती हैं, सी ड्राइव से शुरू क्यों होता है। चलो अब मैं बताता हूँ, अब फटाफट ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना है ना? फ्लॉपी डिस्क जो पहले आती थी, अब नहीं आती। फ्लॉपी डिस्क ए लेबल और बी लेबल में स्टोर होती है, यानी जब फ्लॉपी डिस्क लगती है कंप्यूटर में तो ए ड्राइव और बी ड्राइव में लगती हैं, और हार्ड डिस्क जब लगती है तो सी ड्राइव से शुरू होती है। ए एंड बी ड्राइव इज रिजर्व फॉर फ्लॉपी डिस्क, वेर एज सी ड्राइव इज रिजर्व फॉर हार्ड डिस्क। क्लियर है? चलो ये चीज क्लियर होगी तो फटाफट लिख दो सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ए और बी फ्लॉपी डिस्क और सी हार्ड डिस्क। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है गाइस, तो याद रखना। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है। ए ड्राइव बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क हो गई, सी हार्ड डिस्क हो गई। कभी कभी हार्ड डिस्क को सी डी ई में भी डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन अगर सी में पूरी हार्ड डिस्क हो तो डी ड्राइव में क्या होगा? ए और बी फ्लॉपी, सी हार्ड डिस्क के लिए। अगर सी में पूरी हार्ड डिस्क को एक ही ड्राइव में रख दिया जाए तो डी ड्राइव फिर किसके लिए रिजर्व होगी? तो अब सुन लो इसका आंसर भी, डी ड्राइव फिर रिजर्व होगी ऑप्टिकल डिस्क के लिए। यानी जब आप सीडी या डीवीडी लगाएंगे अपने कंप्यूटर में तो फिर वो डी ड्राइव और ई ड्राइव में आपको शो करेगा। अगर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क सी डी ई में डिवाइड होगी तो फिर ऑप्टिकल डिस्क बाय डिफॉल्ट एफ ले लेगी। समझ गए ना यहां पर क्या कॉन्सेप्ट चलता है? तो हमेशा बस याद ये रखो, ए बी फ्लॉपी, सी हार्ड डिस्क और डी ऑप्टिकल डिस्क। चलो समझ गए होगे, अब फटाफट यहां पर हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, आईबीएम ने हार्ड डिस्क को बनाया, यानी आईबीएम हो गए हार्ड डिस्क के पापा। ठीक है, पहली हार्ड डिस्क मार्केट में किसने लॉन्च करी? आईबीएम ने। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सबसे बड़ी कंपनी आईटी सेक्टर की अगर कोई है तो वो आईबीएम ही है। 1956 में हार्ड डिस्क लॉन्च कर दी गई। आगे बढ़ो बेटा, हार्ड डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो ये एक तरीके का कैसा कंपोनेंट है? हार्डवेयर कंपोनेंट है। अगला पॉइंट, यहां पर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सॉफ्ट कॉपी तो समझ रहे हो ना, डिजिटल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ये बात भी क्लियर है। आगे देख लेते हैं, हार्ड डिस्क दो तरीके की होती हैं। एक इंटरनल जो सिस्टम में लगी होती है, जिसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, और वही होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी, जो पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है। क्लियर है? चलो, यशिका जी कह रही हैं पापा, बिल्कुल पापा ही तो हैं हार्ड डिस्क के, आईबीएम है ना। चलो आगे, हार्ड डिस्क किस तरीके की डिस्क है? मैग्नेटिक डिस्क है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने डार्क ब्राउन कलर से इसको यहां पर इंडिकेट किया है ताकि आपको ये याद रहे। हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापा जाता है गाइस? आरपीएम। अब अगला क्वेश्चन मेरा यहां से ये बनता है कि आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है, बताओ। बताइए भाई, रेशु गर्ग जी कह रही हैं पेरिफेरल मतलब क्या होता है? पेरिफेरल मतलब ये होता है वो डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड से लगी होती हैं, या आप ये कह सकती हैं वो डिवाइसेस जो पोर्ट से कनेक्ट होते हैं।
जैसे आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कई तरीके के पोर्ट्स होते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट हो गया, एचडीएमआई पोर्ट हो गया, वीजीए पोर्ट हो गया, ईथरनेट पोर्ट हो गया, राइट, वीडियो पोर्ट हो गया या फिर साउंड पोर्ट हो गया। तो इन पोर्ट्स में से डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, जैसे माउस कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, स्पीकर लगा दिए आपने, किसी से प्रिंटर लगा दिया, तो ये जितने भी पोर्ट से कनेक्ट होती जा रही है ना डिवाइसेस, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस ही है। चल देखें अच्छा आंसर किसने दिया है सबसे पहले। सचिन शर्मा जी गलत है आपका आंसर। आरपीएम सबसे पहले सॉफ्टवेयर कैसा बना, मैंने आंसर नहीं मिल पाया, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो कंप्यूटर की जरूरत है, तो पहला सॉफ्टवेयर था रेजोनेंस रेवोल्यूशन, सबसे पहला आंसर फिर से आया है स्नेहा जी का। चलो रेवोल्यूशन पर मिनट बिल्कुल सही आंसर है, रेवोल्यूशन पर मिनट। यशिका जी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सचिन अरोड़ा टेक गुरु, सचिन अरोड़ा टेक गुरु नाम से है, ज्वाइन कर सकती हैं आप। चलो प्रदीप कुमार जी राउंड पर मिनट नहीं बेटा, रेवोल्यूशन पर मिनट। जी सुयश पाल जी बिल्कुल सही आपने कहा, नेहा जी रोटेशन नहीं रेवोल्यूशन जी। तनुज ढींगरा जी थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, रोटेशन पर मिनट नहीं रेवोल्यूशन पर मिनट। पंकज जी सही जवाब, पूनम जी सही जवाब, रेशु गर्ग सही जवाब, हिमांशु जी सही जवाब, हर्षदा जी कह रही हैं हाउ टू ज्वाइन परचेज लाइव क्लास। अच्छा ट्रिपल सी क्लास अगर ज्वाइन करनी है आपको तो देखिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आपको मिल जाएगा, अभी भी आप देख सकते हो वीडियो को खत्म होने के बाद भी आपको एक लिंक मिल जाएगा है ना, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आप डायरेक्ट क्लास में पहुंच जाओगे, या फिर आप अड्डा 247 के स्टोर है ना store.adda247 इस पे चले जाना, मेरे प्रोडक्ट को एक बार ढूंढ लेना फटाफट से, ट्रिपल सी लिखा होगा, मेरी फोटो लगी होगी वहां पर, तो उसको बाय कर लीजिएगा। चलिए चलो ठीक। AKSHKS अक्षक्स रेवोल्यूशन पर मिनट ये कह रहे हैं, कैसा कैसा नाम रखते हो बेटा। श्वेता विश्वकर्मा जी, श्वेता विश्वकर्मा ठीक है आपका जवाब, समझ गए ना आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट है। अब फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं। हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर्ड बाय, अच्छा ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क बनाने वाली सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, सबसे अच्छी कंपनी हार्ड डिस्क बनाने वाली कौन सी है। यशिका जी प्राइस इसका 600 रुपीज समथिंग है ना, 600 समथिंग आपको प्राइस पड़ेगा, वैसे एमआरपी तो 1500 है। कोड लगा दीजिएगा Y233, लिख लीजिए एक जगह पर Y233, इस कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा, 57% अप्रोक्स आपको डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा Y233। चलो दिव्यांशु जायसवाल जी कह रहे हैं सैमसंग, फिर कह रहे हैं सैंडिस्क, अच्छा सारे नाम ले दो कोई ना कोई तो हो ही जाएगा, क्यों दिव्यांशु। चलो आंसर बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है यार आंसर नहीं आ रहा। चलो तो शिबा रेशुगर जी कह रहे हैं, चलो देखो यहां पर सबसे अच्छी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है सीगेट, हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर्ड बाय सीगेट, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है तो आप भी याद रखिए मार्केट में जाइएगा है ना, कुछ लोग WDB कह रहे हैं वेस्टर्न डिजिटल, ये भी अच्छी होती है लेकिन नंबर वन कैटेगरी में सीगेट है। अरे सीगेट वालों ने मुझे पैसा थोड़ी ना दिया है जो उनका नाम ले रहा हूँ, अच्छी है तो अच्छी है। आगे देखो दूसरे नंबर पे तोशीबा, तीसरे में आती है वेस्टर्न डिजिटल, फोर्थ में आती है सोनी, फिफ्थ में आती है एप्पल, ठीक है ये पांचों नाम याद रखना, सीगेट तोशीबा वेस्टर्न डिजिटल सोनी और एप्पल। एप्पल की आपको हार्ड डिस्क पता ही होगी है ना, महंगी होगी काफी। चलो आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर है ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं।
क्या हो गया मंडल जी, कोई कंफ्यूजन है क्या, पूछ लो फटाफट। चलो अब क्वेश्चन ये होता है, बहुत ध्यान से सुनना यहां पर, जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना लगी हुई, क्या वो किसी केबल से कनेक्ट होती है क्या? बिल्कुल, अगर हार्ड डिस्क है तो वो केबल से कनेक्ट होगी, पर हार्ड डिस्क लगी कहां पर होती? तो आंसर है हार्ड डिस्क मदरबोर्ड में लगी होती है। अब मदरबोर्ड में अगर हार्ड डिस्क लगी होगी तो कुछ केबल कहीं से कनेक्ट होंगी, तो अब क्वेश्चन उठता है उन केबल्स को क्या कहते हैं जिन जिनमें हार्ड डिस्क लगी होती है, उन केबल्स को क्या कहते हैं जिनमें हार्ड डिस्क लगी होती है। तो कितने तरीके की केबल है, कुछ यहां पर डाउट भी होता है लोगों को, है ना, कुछ याद आ रहा है, साटा पाटा इस तरीके से कुछ, है ना, कुछ लोग कहते हैं साटा की हार्ड डिस्क, कुछ लोग कहते हैं पाटा की हार्ड डिस्क। ये साटा पाटा आखिर है क्या, क्या हार्ड डिस्क का नाम है? बिल्कुल नहीं, ये उन केबल्स का नाम है जिनके थ्रू हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, मैक्सिमम लोग गलत यूज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं पाटा की हार्ड डिस्क, कुछ कहते हैं साटा की हार्ड डिस्क, तो साटा और पाटा केबल के नाम है, राइट, ना कि हार्ड डिस्क के नाम। चलो अब देखो ध्यान से, पाटा पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, फुल फॉर्म याद रखना, बहुत पूछा जाता है, पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये एक केबल हो गई। फिर इसके बाद आती है साटा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आटा देखो दोनों में कॉमन है ना, तो ATA आटा, इसकी फुल फॉर्म याद रखो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब ही वही है, केबल होगी तो कहीं ना कहीं से अटैच होगी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो, पाटा जो है वो पुरानी केबल्स है, यानी अब पाटा का यूज नहीं होता, अब साटा केबल्स का यूज होता है जिनकी डेटा ट्रांसफर स्पीड इन कंपैरिजन टू पाटा अच्छी होती। क्लियर हो गया, यानी पाटा पुरानी और साटा नई टेक्नोलॉजी हो गई, यानी आजकल जितने भी कंप्यूटर्स लैपटॉप होते हैं उनमें जिस केबल से हार्ड डिस्क अटैच होती है वो है साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हार्ड डिस्क किस केबल से अटैच होगी पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप में, तो आंसर होगा साटा, और अगर पुरानी टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो तो आंसर हो जाएगा पाटा। चलो क्लियर होगा यहां पर। आरेशु गर्जी, ये वायर्स के नाम है, ये केबल्स के नाम है, ठीक है, बसेस भी कहते हैं, है ना, केबल्स को बसेस भी कहा जाता है। एक और टेक्नोलॉजी है इन दोनों के अलावा जिससे RRB रीजनल रूरल बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है जो सबसे पहले आई, जो पाटा से भी पहले आई, पाटा से भी पहले, इतना पुराना, देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना, देखते हैं किसी को क्या पता है। हाँ पाटा ओल्ड है, साटा न्यू है, बिल्कुल जानू सिंह, समझ में आ चुका है ये चीज। अब देखिए किसी को क्या पता है पाटा से भी पुरानी कोई टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क को जोड़ा जाता था। चलो देखें, चलो नाम बता देते हैं, दैट इज सॉरी USB नहीं है, दैट इज SAS, सीरियल अटैच्ड SCSI, है ना, USB नहीं है, USB तो आप लोग जानते हैं USB से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है, USB से इंटरनल तो हो नहीं सकती ना, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो किससे कनेक्ट होती है, USB केबल होती है एक हार्ड डिस्क में, है ना, उससे कनेक्ट हो जाती है। SAS, सीरियल अटैच्ड SCSI, ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है गाइस। चल समझ में आ गया ये चीज। अब यहां पर देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन
ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। SCSI की फुल फॉर्म क्या है? SCSI की फुल फॉर्म क्या है? चलो देखते हैं यहां पर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक बार साटा की। मैंने बताया था ना साटा की जो हार्ड डिस्क होती है वो इस समय लैपटॉप्स में यूज हो रही है, इस समय पर्सनल कंप्यूटर्स में साटा केबल्स यूज हो रही हैं। तो साटा की हार्ड डिस्क मत बोलना, है ना। मैं भी कभी कभी बोल जा रहा हूँ साटा की हार्ड डिस्क, वो लोगों से सुन सुन के मुंह पे चढ़ जाता है। तो साटा की हार्ड डिस्क का मतलब होता है साटा की केबल, राइट। तो देखो इस तरीके की केबल्स, आपके सामने एक फोटो मैंने दिखाई है, इस तरीके की केबल होती है साटा, और जिसमें साटा की केबल लगती है उसको साटा हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क कह दिया जाता है। चलो स्नेहा जी आज फिर सीखेंगे। चलो कुछ कुछ सही है स्नेहा जी आपका, लेकिन थोड़ा सा यहां पर हल्की सी एरर आ गई, हल्की सी। ओके हाँ अब सही बताया। सबसे पहला यहाँ पे सही जवाब जो दिया है वो रेशु गर्ग जी ने दिया है, दैट इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अच्छा स्नेहा जी आपने भी यही, अच्छा कंप्यूटर आपने स्मॉल में लिख दिया था, सही है सही है, सॉरी माय मिस्टेक स्नेहा जी, सही जवाब है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, सही, वेरी गुड। तो स्नेहा जी का भी सही जवाब है एज वेल एज रेशु गर्ग जी का भी सही जवाब है। सुयश पाल जी थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। चलो चलो विकी जी इसके बारे में बताया जाएगा। टाइम आप पूछ रहे हैं, सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्लियर है। बिल्कुल स्नेहा जी सॉरी माय मिस्टेक, मैंने वो कंप्यूटर को शॉर्ट में पढ़ लिया था, COMP लग रहा था, समझ गया, बिल्कुल सही दिया है आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया था कुछ लोगों ने इसका, SCSI, याद रखना, लिख लो इसको कहीं पर अगर नहीं याद रख पाते हो, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्क्रीनशॉट लेते जाना जहां कोई कंफ्यूजन हो। चलो अब SCSI क्या होता है, मैंने बताया साटा और पाटा से भी पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो SCSI थी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब SCSI ये भी क्लियर है कि इसका यूज हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता था, है ना, ये क्लियर है ना यहाँ पर। अब SCSI की एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ये जो मॉडल है SCSI का, ये डेवलप किया है ANSI ने, ये पूछा जाता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से समझना। ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने SCSI मॉडल डेवलप किया है, ठीक, क्लियर है। आजाद देखो बुक नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, बुक से मत पढ़ो, ठीक, बुक से पढ़ोगे पढ़ते रह जाओगे एक साल तक कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में PhD मत करो, है ना, एग्जाम क्लियर करो बेटा। यहाँ पर हम तुम्हें बिल्कुल क्लियर कट पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम में आने वाली चीज, क्यों भटक रहे हो इधर से उधर, हाँ भटको नहीं बेटा, भटको नहीं। चलो नहीं बुक नहीं, बुक तो आजाद नहीं बताएंगे, बुक वैसे लेनी है तो कोई भी ले लो, रॉबिन कुमार जी ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर अटैचिंग, इसका यूज सिर्फ हार्ड डिस्क को अटैच करने के लिए नहीं होता था, बहुत सारी चीजें SCSI से कनेक्टेड होती थी, जैसे प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, स्कैनर्स या अदर पेरिफेरल्स टू दी कंप्यूटर। फिर से बता रहा हूं SCSI टेक्नोलॉजी का आज यूज नहीं होता, क्लियर है। अब दर्शन कर लो SCSI टेक्नोलॉजी, कुछ इस तरीके से होती है ये टेक्नोलॉजी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इस पूरे इंटरफेस को SCSI कहते थे, है ना, जिसको साटा और पाटा ने आके चेंज कर दिया। चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है गाइस।
रोहित कुमार जी, देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, और कल शाम अगर 5 बजे वाला आपने वीडियो देखा हो तो हमने कल उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज बताई थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जो समझ गए हैं वो समझ गए हैं बहुत अच्छे से। ठीक, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार CCC का एग्जाम दो, है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अटैच हो जाओ, वहां मैं जानकारी पूरी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं, कंफ्यूज तो करेंगे ही नहीं, देखिए एक ही चीज आपको बताएंगे यहाँ पर, रेशु गर्ग जी कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ वीडियो देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, सफिशिएंट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भले ही आपको दिख रहा हो कि अभी तक कम हुए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को हम इतना स्कैन करके आपको बताएंगे ना कि हर क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन छुपे होंगे, तो इसके अलावा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे तो कहानी खत्म होगी, है ना। एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। चलो, सचिन शर्मा जी बिल्कुल भी नहीं, नोट्स बनाते रहो, अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स याद रहेंगे, है ना। देखो बेटा कितनी सारी चीजें संभाल के रखोगे ये बताओ, एक प्रॉपर नोट बना के रखो ना अपने पास में, एक कंप्यूटर कोर्स के नाम से एक छोटा सा नोटबुक बनाओ, उसमें लिखते चले जाओ, एक बार वीडियो देखो, जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उन पॉइंट्स को पूछ लो हमसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम से, है ना, और नोट्स बनाते चले जाओ, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हमेशा याद रहते हैं, ये याद रखना। मटेरियल जितना भी ले लो, कोई कमी नहीं है मार्केट में मटेरियल की, फिर वही बात है, फिर कोई कंप्यूटर पढ़ाएगा फिर तुम पढ़ने लगोगे उससे, एक बार पढ़ो ना लास्ट तक कंप्लीट, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो चलो, सेकेंड आंसर आना शुरू हो गया है, देखें किसने दिया सबसे पहला जवाब। श्वेता विश्वकर्मा सर, आपकी क्लास 2 बार आती है क्या? 2 बार आती है, मतलब संडे को 2 लेक्चर लगते हैं, है ना, 2 लेक्चर संडे को लग जाते हैं कभी कभी, वैसे 1 से 2 बजे तक रहती है ना। सबसे पहला आंसर दिया है स्नेहा जी का, सेकंड आया है फिर सचिन शर्मा जी ब्रॉडबैंड, यशिका जी वायरलेस, हिमांशु जायसवाल सेकेंड, नवदीप कौर सेकेंड, विद्यार्थी रंजन सेकेंड, रॉबिन कुमार, ज्योति, रोहन भट्ट, अल्तफ, रोहित कुमार, जानू सिंह, ज्योति सिंह, सचिन, रोहित, राहुल। चलो सही, सब लोग होशियार हैं, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आपने दिया, वेरी गुड आंसर इज ब्रॉडबैंड। ये क्वेश्चन भी बैंक का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहा है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ DSL किसका कनेक्शन है? तो आंसर है ब्रॉडबैंड कनेक्शन को DSL कनेक्शन कहते हैं। देखो यहां पर इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से पढ़ना होगा आपको, दो तरीके कैसे, अगर क्वेश्चन में DSL पूछा जाए तो आंसर ब्रॉडबैंड होगा, और ब्रॉडबैंड कहीं क्वेश्चन में लिखा हो तो आंसर DSL होगा, है ना, ये दोनों चीज याद रखना, ब्रॉडबैंड is equals to DSL is equals to broadband, clear? अच्छा broadband की full form कोई बता दो, देखें किसको पता है, broadband की full form भी होती है guys, पता है broadband छोटा है, इसकी full form बता दो फटाफट। जी रेशु गर्ग जी broadband, हिमांशु जायसवाल जी कह रहे हैं congratulations जिन्होंने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही बात भाई। चलो ब्रॉडबैंड की फुल फॉर्म बताओ फटाफट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है ना वायर्ड कनेक्शन होता है, ये हाई स्पीड कनेक्शन के लिए ब्रॉडबैंड चाहिए होता है ना, कहीं भी अगर क्वेश्चन में हाई स्पीड की बात हो रही हो तब भी आंसर ब्रॉडबैंड होता है। ब्रॉडबैंड की फुल फॉर्म अभी तक आई नहीं है। चलो दिव्यांशु जायसवाल जी ने सही बताया है, ब्रांड थोड़ा सा गलत कर दिया है, चलो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गलत हो गया, बताओ क्या गलत किया दिव्यांशु तुमने इसमें। चलो संजू जी कह रहे हैं आप ही बता दो, अच्छा आप ही बता दो यार, ये बात है, चलो बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। देखो ब्रॉडबैंड मतलब होता है ब्रॉड बैंडविड्थ, जस्ट अ मिनट, हाँ आंसर आ भी गया था, ब्रॉडबैंड किसने बताया, ब्रांड विथ, अच्छा ठीक
किसी का नहीं आया। ब्रॉडबैंड मतलब होता है बैंड की फुल फॉर्म होती है बैंडविड्थ, है ना, बैंडविड्थ। तो ब्रॉड बैंडविड्थ इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड, ब्रॉड बैंडविड्थ इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड। बिल्कुल ब्रांड नहीं होता है, बैंडविड्थ होता है, बिल्कुल सही बताया स्नेहा जी ने। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रॉडबैंड को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलो कंसंट्रेट करो, यहां पर कहां इधर उधर देख रहे हो, इधर देखो फटाफट ब्रॉडबैंड की तरफ। ब्रॉडबैंड के दर्शन करवाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। चलो ध्यान से पढ़ो, ब्रॉडबैंड कॉमनली रिफर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। मैंने पहले ही बताया था कि अगर हाई स्पीड इंटरनेट की बात हो रही हो तो आंसर ब्रॉडबैंड होगा। पहला पॉइंट, ब्रॉडबैंड इज अ कनेक्शन इन विच द इंटरनेट रन्स थ्रू अ केबल। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या होता है कि इंटरनेट किससे चलता है, केबल से चलता है। आपके घर तक कोई केबल आती है, वो केबल आपकी ब्रॉडबैंड या राउटर या मॉडम से अटैच होती है और फिर उस मॉडम से आपका कंप्यूटर वाया वाईफाई या वायरलेस मोड या केबल मोड से लैन मोड से कनेक्ट हो जाता है। यही तो होता है ब्रॉडबैंड में। क्लियर हो गया ना ब्रॉडबैंड क्या होता है। अब वो केबल कौन सी हो सकती है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकती है जो आपके घर तक आ रही है, है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकती है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, वो कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, लेकिन ट्विस्टेड पेयर नहीं होगी, है ना, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि लैन केबल्स को ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, याद आ गया ना, और इसे ईथरनेट केबल भी कहा जाता है। रिवाइज हुआ, चलो तो इसका मतलब ब्रॉडबैंड में जो केबल आपके घर तक आती है वो या तो ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी जिसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी कहा जाता है, या फिर वो केबल कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, ब्रॉडबैंड की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने अभी बताया था ब्रॉड बैंडविड्थ है। क्या है गाइस, ब्रॉड बैंडविड्थ। आगे देखते हैं, ये है ब्रॉडबैंड। ठीक, देखो एक लैन केबल गई हुई है ना, यहां से ब्लू कलर की एक लैन केबल आपको दिख रही होगी। तो ब्रॉडबैंड में एक राउटर लगा होता है इस तरीके का, कई कंपनीज के राउटर आते हैं, साइरोटेक का राउटर बहुत फेमस है आजकल, राइट। तो ये जो लैन केबल गई हुई है ना ब्लू कलर की, ये इसे कहते हैं ईथरनेट केबल, क्या इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर इसको कहते हैं यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये जिस पोर्ट से गई हुई है उसे ईथरनेट पोर्ट कहते हैं। उसके बगल में देखिए, है ना, उसके बगल में देखिए कुछ लैन पोर्ट्स और भी दिए हुए हैं, तीन चार। क्लियर है गाइस, क्लियर है गाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके ओके। चलो चलो ठीक, क्लियर है ना यहां तक। चलो क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से पढ़ो क्वेश्चन और आंसर दो। हिमांशु जयसवाल जी, कोई अपने नोट्स दे दो। क्यों दे दे भाई कोई अपने नोट्स। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो ना, सेल्फ रिलायंस कह रहे हैं ना, तो सेल्फ रिलायंस भरो, सारी वीडियोज एक बार देखो शुरू से और नोट्स बनाते चलो, किसी के नोट्स मत लो, कोई देना नहीं इसको अपने नोट्स, खुद बनाने दो इसको। चलो चलो, अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, हार्ड डिस्क जो है वो ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है, और ट्रैक्स फिर से किस में डिवाइडेड होते हैं, ये है क्वेश्चन। इस बार सबसे पहला जवाब दिया है सचिन शर्मा जी ने और कह रहे हैं फर्स्ट, नवदीप कौर जी दूसरे नंबर पे जवाब कह रही हैं सेकंड, स्नेहा जी का थर्ड नंबर पे जवाब आया है और कह रही हैं सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सबसे पहले देने वाली बन चुकी हैं नवदीप कौर और दूसरे नंबर पे आ गई हैं स्नेहा जी, बहुत बढ़िया कंपटीशन यहाँ पर। आरिफ जी बन गए हैं तीसरे नंबर पर सेक्टर देते हुए, और विद्यार्थी रंजन जी फोर्थ नंबर पे आए हैं
सही जवाब के साथ में। यशिका जी फिफ्थ नंबर पे पहुंच गई हैं सेकंड आंसर के साथ। बाकी रोहित कुमार, पंकज, विद्यार्थी ज्योति, रोबिन, तनुज, पवन, शिवांशु और शुभ लक्ष्मी मोहंती, इन सब ने सही जवाब दिया है। ताबड़तोड़ तरीके से सही जवाब होगा सेक्टर। क्लियर है गाइस? अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से। क्या है हार्डडिस्क? जो है वो ट्रैक्स और सेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। पीछे वाले क्वेश्चन को ध्यान में एक बार फिर से रिपीट करो, कुछ याद आया? डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड, अभी बताया था ना मैंने, और आंसर था फॉर्मेटिंग। डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स आर कॉल्ड फॉर्मेटिंग। और यहां पर क्या पूछ लिया? अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड ट्रैक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर। क्लियर है? अच्छा, सेक्टर की खास बात क्या है पता है आपको? जो आपके कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क ट्रैक और सेक्टर में डिवाइडेड होती है। जो डेटा आपका स्टोर होता है वो सेक्टर में स्टोर होता है। जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का जो डेटा है ना, वो जहां पर स्टोर होता है वो सेक्टर में स्टोर होता है। तो अगर एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछ लें कि हार्ड डिस्क का डेटा किस में स्टोर होता है, तो आंसर क्या होगा गाइस? सेक्टर में स्टोर होता है। क्लियर है? अरे दिव्यांशु जी, शिव्यांशु भी है भाई। चलो अनिल कुमार गुप्ता जी, ये फोर्थ क्लास है ना, तीन क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं और आज फोर्थ क्लास है। तो अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हो गई हो तो प्लेलिस्ट में कंप्यूटर बेसिक कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहां से भी देख सकते हो। और वीडियोस में जाकर भी 3 दिन की वीडियोस आराम से आपको मिल जाएंगी, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर है ना यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलो आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे, समय हो चुका है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो है ना तो पूछ सकते हो यहां पर। रेशु गर्ग जी, क्या हो गया, क्या छूट गया? चलो फिर से सुन लो जो बताया था। हार्ड डिस्क जो है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में बटी होती है, पहली चीज। लेकिन आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि हार्ड डिस्क में कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है। जो भी आप अपने कंप्यूटर में रखते हैं ना, वो हार्ड डिस्क में ही तो जाता है, चाहे वो सी ड्राइव हो या डेस्कटॉप हो, वो सब हार्ड डिस्क का ही पार्ट है। तो अब हार्ड डिस्क के ऐसा कौन सा पार्ट है हार्ड डिस्क के पास में जहां पर डेटा स्टोर होता है? तो आंसर है सेक्टर में डेटा स्टोर होता है। किसमें डेटा स्टोर होता है? सेक्टर। अब शायद क्लियर हो गया होगा। आलू बैगन जी पूछ रहे हैं, सर जी क्लास कब से चलती है? 1 बजे से 2 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक चलती है। नाम सही कर लो आलू बैगन। चलो क्लियर है? आरिफ जी मोस्ट वेलकम, यू वेलकम बेटा। चलो आई थिंक कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही सेशन के साथ, ऐसे ही बैंक SSC और कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज के लिए हम लोग डेली मिलते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको सेशन ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन फ्रेम आउट करके लाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपनी क्वेरीज के लिए हमसे अटैच हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर भी। सचिन अरोड़ा टेक गुरु, सचिन अरोड़ा टेक गुरु के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, ऐड कर लेना, अपने क्वेश्चन को वहां पर पुट कर सकते हो। वीडियोस की इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो इसी के साथ विदा लेते हैं।
टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।